थाना डोकी क्षेत्र के गांव मुटनई में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती प्रेमती और सचिव मनोज कुमार ने मक्खी मच्छरों की बढ़ती तादाद को लेकर दवा का छिड़काव कराया है और मक्खी मच्छरों की दवा का छिड़काव कर पूरी ग्राम पंचायत मुटनई गांव को सैनिटाइज कराया है। इस तरह सैनिटाइज कराने से हैजा, टाइफाइड, बुखार जैसी अन्य बीमारियों के फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि दवा के छिड़काव से मुटनई गांव के जनमानस को हैजा, टाइफाइड, बुखार जैसी बीमारी से बचने की निजात मिलेगी और इस समय मक्खी मच्छरों की काफ़ी बड़ी तादाद है, उस पर भी दवा से असर आएगा और जनमानस को राहत की सांस मिलेगी। वहीं ग्रामीणों को इन मक्खी मच्छरों की तादाद अधिक होने से रात को सोने में भी दुश्वार हो रहा है। ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती प्रेमती के ससुर राज कपूर नोनेरिया ने सफाई कर्मी कमरुद्दीन के साथ 5 लोगों की टीम लगाकर दवा का छिड़काव कराया है, जिसमें ट्रैक्टर वाली प्रेशर मशीन से 200 मीटर लंबे पाइप से गलियों तक छिड़काव कराया है। आसपास के प्रधानों में अभी तक दवा ना छिड़कने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद AK सिंह ने बताया है कि समय के बदलाव से मक्खी मच्छर बढ़ रहे हैं। इन मक्खी मच्छरों से उल्टी, दस्त, डेंगू, टाइफाइड, बुखार आदि दवा के छिड़काव से बचा जा सकता है। यह प्रधान द्वारा एक अच्छी मुहिम है। आगरा से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की एक रिपोर्ट। मेरा नाम प्रेमवती है, ग्राम प्रधान मुटनई से, जिला थाना डॉकी, जिला आगरा, ब्लॉक शमशाबाद। क्या कराया है आपने? यहाँ गांव में जो दवा छिड़की हुई है और मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियाँ फैली है एक दूसरे से, और एक दूसरे पूरे चारों तरफ ही बीमारी फैली है एक दूसरे का। पूरे गांव में पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है, ये पता नहीं पड़ पा रहा है, और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये बीमारी तुरंत रोका जाए। काफ़ी गांव में नुकसान हो रहा है, गांव में नहीं सब जगह ही हो रहा है। आपने दवा छिड़कवाई है? हाँ, गाँव में दवा भी छिड़कवाई है।